Hey guys, welcome to my channel Life is Simple Family in Abroad. Hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं. और फ्रेंड्स, मेरे स्टार्टिंग का वीडियो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा आज मेरा वीडियो जो होने वाला है वो यूएई कल्चर के बहुत ही नज़दीक की होने वाला है. यूएई कल्चर, इमराती कल्चर को आप आज बहुत नज़दीकी से जानने वाले हैं. अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. बेल आइकन दबाने से आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा. फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक इमराती मेला घूमने के लिए. एक्चुअली हम लोग इस रोड से अक्सर आना जाना करते हैं और आते जाते देखते थे कि यहाँ पर क्या है. अंदर दिखता नहीं था, रोड से थोड़ा मेला जैसा लगता है लेकिन समझ नहीं आ रहा था. और यहाँ का मुश्किलियाँ ये है कि अबूधाबी में ज़्यादातर जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो अरबिक लैंग्वेज में ही होता है, इंग्लिश में भी उतना नहीं होता है. लेकिन लकीली हम लोगों को अब अरबिक पढ़ना आता है, खासतौर से जुजू को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने आता है. तो हमने जुजू को बोला कि इधर क्या लिखा है, तो जुजू ने बोला मामा मेला लिखा हुआ है. मेला वर्ड एक्चुअली अरबिक में भी मेला ही है. तो मेला सुनते ही हम लोग और क्या तुरंत ही आ गए मेला देखने के लिए. और बस अब मेला देख रहे हैं किस चीज़ का मेला है. तो कपड़ा यहाँ बहुत दिख रहा है, क्लोथ से ज़्यादा है और जो अरबिक क्लोथ है वही सब ज़्यादा है. मैंने तो पहले ले लिया है, ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत लिया है, तो अब मुझे अब लेने का इतना कुछ इरादा है नहीं. बस देखेंगे, और कुछ लेने वाला चीज़ दिखेगा तो ज़रूर लेंगे. मकसद तो यही है कि घूमे, देखे क्या चीज़ है. और फ्रेंड्स, जब भी मैं किसी बाहर देश में जाती हूँ या फिर बाहर प्लेस में जाती हूँ तो मुझे हमेशा ही उनके लोकल लोगों का जो कल्चर, उनका रहन सहन, उनका क्लोथ, उनका फूड, वो सब एक्सपीरियंस करने का बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहता है, वो जानने का मुझमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहता है. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका हर चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ. और यूएई में आते हुए हमको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने वाला है, लेकिन दुबई में रह के वो मौका इतना मिल नहीं रहा था कि इमराती लोगों के कल्चर को नज़दीकी से जानूं. लेकिन हालांकि अबू धाबी में आते हुए अभी बस 2 मंथ ही हुआ है, लेकिन यहाँ के हमको वो मौका मिल रहा है और ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए. Are you sure also I have a coffee from Oman? Okay, hold this. One finjan, malum finjan? Finjan, mal coffee. Finjan. Wahid finjan? Sama. That's it. Hada pure. Ma. Are you strong? Achha hai. One wala two. Kya hai? Honey, give me here. Dhi mere do. क्या चीज ले लिया? एक युवानी है. अच्छा, हलवा ले लिया. ओके, ओपन दिस, पुट इन माइक्रोवेव 2 until 2 minutes, क्लोज दिस वन, नो प्रॉब्लम फॉर हॉट. आफ्टर दैट यूज फॉर अनदर थिंग, अनदर थिंग फॉर यू. जी टेकन फ्रॉम स्केरी. आई वांट. दिखाओ फेस, किसी में चिका. So scary. She didn't show on me like that. और क्लोथ हम लोगों ने देख लिया है, हलवा भी खरीद लिया है और साथ में बारबी ने अपना फेवरेट कार्टून करेक्टर जो है उसका हगी बगी, उसका मॉम नहीं, उसकी वाइफ है शायद किसी में से, उसको भी खरीद लिया है. तो वो भी खुश हैं. और उसके बैक साइड में ये जो मेला का जान होता है, एडवेंचर्स, झूला, ये वो जो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं. ये कैमल है, कैमल का राइड चल रहा है. और जो बोलती है ये पोनी है, ये हॉर्स जैसा ही दिखता है लेकिन इसका कद जो है वो बहुत ही छोटा होता है. और ये झूला, बच्चे झूला झूल रहे हैं. मेला, कहीं का भी मेला में जाओ ये तो कंपल्सरी है, ये होना ही है. और कोई भी मेला घूमने जाते हैं तो मेला के अंदर जो छोटे छोटे फूड स्टॉल रहते हैं उसमें से एक दो चीज़ अगर खरीद के ना खाओ तब तक मेला का जो एंजॉयमेंट है वो अधूरा ही लगता है. इसलिए बच्चों को हमने बोला कि ले लो जो चाहिए. यहाँ पे कुछ पोटैटोज मिल रहे थे. देखो बारबी क्या लाई है. बारबी ये खाएगी.